अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम आसिम कमाल है और आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि आज के दिन मेरी दुनिया इस दुनिया में आई थी। तो आज का पूरा दिन मेरी दुनिया के नाम। तो चलो फिर शुरू करते हैं। वेलकम टू अनदर डे ऑफ माई लाइफ। अच्छा, तो कपड़े वगैरह ले लिए हैं। वैसे तो वो तो वाइट पहन रही है आज, लेकिन वाइट में मेरा साइज़ नहीं था, तो बस अभी इसी से काम चलाएंगे। तो अभी देर हो रही है, अभी तैयार होना है और बस डायरेक्ट निकलना है। अच्छा, तो अभी हम आए हैं केक लेने। उसका कोई ख़ास फेवरेट केक नहीं है जो हम उसके लिए ले लें। वो हर केक खाती है, मीठा पीका सब खा लेती है। तो हम अभी आए हैं अपनी मर्ज़ी से उसके लिए केक लेने। तो चले। केक्स वगैरह उठा लिए हमने, अभी चलते हैं, तैयार होते हैं। बहुत देर हो गई है, तैयार हो के आपसे मिलते हैं। तैयार शहरों के घर आ गए हैं, अभी यहाँ से फौरन निकलते हैं लोकेशन पे, सुमियानी बीच पे हमने उसकी बर्थडे करनी है। यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है, तो ऑलरेडी देर हो गई है। अभी रास्ते में फूल उठाने हैं और सीधा पहुँचते हैं लोकेशन पे। यकीन मानो, दिल अभी से घबरा रहा है। जब से मैंने उसे देखा है उस दिन से आज के दिन तक, वो रोज़ सिर्फ खूबसूरत होती गई। जिस दिन से वो मेरी ज़िंदगी में आई है, मेरी ज़िंदगी बड़ी अनमोल हो गई। वो कोई आम सी लड़की नहीं है, बल्कि इस दुनिया में सबसे ख़ास है। अच्छा, तो फूल शूल उठा ली है, काफ़ी देर हो गई है और यकीनन वो नाराज़ हो चुकी होगी। उसका नाराज़ होना ना हमारे लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। तो फाइनली हम अपनी डिस्टिनेशन पे, यानी सुमियानी बीच पहुंच गए हैं और सुनने में आया है कि वो तैयार हो चुकी है और मेरा वेट कर रही है। तो अभी और इंतज़ार नहीं कर रहे, सीधा चलते हैं उससे मिलने। यकीन मानो, दिल बड़ा बेताब उसको देखने के लिए। वो हंसती है तो हम सब हंसते हैं। मुझे नहीं पता था कि मुझे कभी किसी से इतना प्यार होगा। मेरे हाथ में जो फूल है, वो इस दुनिया में जितने भी फूल हैं, वो सब उसके बराबर नहीं। अब जब वो मेरे सामने है तो मुझे यकीन नहीं आता कि एक साल में उसने मेरी जिंदगी कैसे बदल दी। अल्लाह ने मुझे पहले अपनी नेमत से नवाजा और वो मेरा मुस्तफ़ा था, बाद में अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाज दिया मेरी गुलुना। सच ही कहते हैं, बेटी बाप को नरम कर देती है। गुलुना ने आकर हम सबको नरमी सिखा दी। يسمو يتعالى، أوه 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 أوه.
मुस्तफ़ा और मैं तो गुलना से शायद एक बराबर ही प्यार करते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं जो भी हूँ, जो भी करता हूँ, अपनी औलाद के लिए करता हूँ, और इसमें कोई शक नहीं। औलाद जैसा तोहफा इतना ख़ास है कि उसका कोई नेमुल बदल नहीं। मेरी बेटी आज एक साल की तो हो गई, मगर ये बात मैं गुलना से कहना चाहता हूँ कि तुम चाहे कल 10, 20 या 30 साल की ही क्यों ना हो जाओ, तुम हमेशा मेरे लिए ये छोटी सी गुलना ही रहोगी, जो चलते चलते गिर जाती है, गिर के खूब रोती है और उसे उसका बाबा उठाकर हमेशा सहारा और प्यार देते हैं। बाबा विल ऑलवेज लव यू। हैप्पी फर्स्ट बर्थडे गुलू।